इन दिनों देश भर में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में भी यह अभियान चलाया गया। यहां कॉलेज के युवाओं ने डांस के माध्यम से पहली बार वोट देने वालों को प्रेरित किया। युवाओं का अपने युवा साथियों के लिए अनोखा अंदाज जरूर था, लेकिन युवाओं ने इस महत्व को अच्छे से समझा। कैसा रहा डीयू में यह अभियान, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं और पहली बार के मतदाताओं का मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए खास तौर पर चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने पहल की है, ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर युवाओं को जागरूक किया जा सके, पहली बार के मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ीमल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश खट्टर साहब। पिछले दो चुनाव के बाद इस बार जब जो चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है, लगभग 2 करोड़ युवा मतदाता जो 18 से 19 वर्ष के बीच में है, वो इस बार पहली बार अपना मतदान का उपयोग करेंगे। और ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत बड़ा, इज ए डायनेमिक मैन, इज ए मैजिशियन, उनका ये एक तरीका है मेरा पहला वोट देश के नाम, इसके थ्रू पूरे युवाओं को अपने साथ जोड़ना और उनमें एक जोश पैदा करना कि आइए हम देश की उन्नति में अपना योगदान दें। क्योंकि ये भी चुनाव भी एक लोकतंत्र का एक उत्सव होता है, तो इसमें पार्टिसिपेट करके भी हम देश का भविष्य लिख सकते हैं। कुछ टीचर्स हमारे साथ हैं। कुछ दिन पहले पता चला कि द कैंपेन चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मेरा पहला वोट देश के नाम, तो हमारे बच्चे बहुत इंथ्यूज हो गए, एनर्जेटिक हो गए, क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है, फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, वो दे आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। एंड वो खुद पोलिटिकल डिबेट्स, पोलिटिकल डेलिब्रेशन, प्राइम मिनिस्टर्स की जो पॉलिसीज हैं, इनिशिएटिव्स हैं, बहुत चर्चा रहती है हमारे पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में भी और पूरे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। चुनाव के दिन मतदाता संप्रभु होता है, और मतदाता की संप्रभुता, जब देश की संप्रभुता की बात आती है, मतदाता के संप्रभु होने का मतलब है कि चुनाव एक बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा उत्सव, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। स्टूडेंट्स बहुत एंथुजियास्टिक और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने पहले इलेक्शंस को लेके, एज दे आर अटेनिंग द 18 ईयर्स ऑफ एज। और क्लास में भी काफ़ी मुद्दों पर जैसे चर्चा रहती है कि एक विकसित भारत किस तरह से होगा, पिछड़े वर्ग जिस तरह से आगे आ रहा है, सामने उसका उत्थान देखने मिल रहा है, सीमा पर सुरक्षा अब जो है बढ़ती जा रही है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। हमारा सशक्त वोट, हमारे देश का नाम सशक्त भारत बनाने के लिए हमारा पहला वोट। टू अपहोल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज वैल्यूज, मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम। मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम, इन ऑर्डर टू मेक आवर वॉइसेस हर्ड इन डेमोक्रेसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब यंगस्टर्स वोट करें। मेरा पहला वोट देश के नाम फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी और बीइंग अ वुमन, वुमेन्स के राइट्स की प्रमोशन के लिए। मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम, आई थिंक फॉर दिस मोमेंट मार्क्स माय कल्मिनेशन ऑफ माय लर्निंग ओवर द इयर्स एंड टू इश्यूज फॉर द रेजिंग द इश्यूज ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द इंस्टीट्यूशंस। मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम। एक ही चाहत, एक ही पैगाम, मेरा पहला वोट देश के नाम। अपना योगदान, अपना मत दें और देश के विकास में योगदान दें। बहुत अच्छा संदेश इन युवाओं ने देने का प्रयास किया है कि किस तरह से अपना पहला वोट जरूर दें। कुछ और भी युवा हैं, बात करते हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। मेरा यही कहना है कि मेरा पहला वोट देश के नाम, और इससे इसके तहत हम अपने देश के प्रगति के पर अपना हम एक योगदान निभा सकते हैं और अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और खासतौर पर देश की प्रगति में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के सम्मानित राजनेता